दोस्तों UIDAI ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है भुवन आधार पोर्टल। इस वीडियो में गाइस मैं आपको इसी पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं कि यह पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल पर आप क्या काम कर सकते हो, इस पोर्टल का यूज करके कैसे आप अपने आधार कार्ड का जो अपडेशन का काम है वो इजिली करवा सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आप फोटो चेंज कराना चाहते हो अपने आधार कार्ड का, तो वह सब काम भी दोस्तों आप इस पोर्टल के जरिए इजिली करवा सकते हो। तो सब कुछ गाइस डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। जैसे ही दोस्तों आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको एक नया पोर्टल देखने को मिलेगा, भुवन आधार पोर्टल। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक नया पोर्टल यहाँ पे लिस्टेड कर दिया गया है। इस पोर्टल से क्या क्या काम होंगे उस सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इस पोर्टल पर आपको जाने के लिए सबसे पहले इसी पोस्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ पे आप देख लीजिए भुवन आधार सेवा केंद्र, ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आता है, तो ऐसे ही दोस्तों आपके फोन में भी कंप्यूटर में भी यही लिखा हुआ आएगा। एंड नीचे दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारे इंडिया का मैप बना हुआ है जिसमें आपको पूरा जितने आधार सेवा केंद्र हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप चाहें तो जूम करके भी देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें आप अपने एरिया का भी जो आधार सेवा केंद्र है वो भी जूम करके देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप है यहाँ पे, मतलब कि हर एक आधार सेवा केंद्र को यहाँ पे दर्शाया गया है कहाँ कहाँ पे आधार सेवा केंद्र है। और जैसे ही दोस्तों आप इस साइड आते हो यहाँ पे आपको सेंटर्स नियर बाय देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे दिया गया है सर्च आधार सेवा केंद्र नियर मी। इसके ऊपर जैसे आप टैप करते हो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा। ये दोस्तों आपके एरिया के अंदर का पूरा सर्कल है। अब आपके नियर बाय में जितने आधार सेवा केंद्र है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप किलोमीटर डाल सकते हो, 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर, 3 किलोमीटर के अंदर, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे 5 किलो, 10 किलोमीटर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम 5 किलोमीटर डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या अपडेट कराना है, अगर आप चाहते हो दोस्तों कि न्यू एनरोलमेंट कराना या फिर कोई अपडेट कराना, तो उसके लिए दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो इसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर देना है। या फिर अगर आप चाहते हो किसी चाइल्ड का जो 0 से 5 साल के बीच में उसका न्यू एनरोलमेंट कराना, न्यू आधार कार्ड बनवाना, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। या फिर अगर आप अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफी अपडेट करना चाहते हो, नेम एड्रेस या फिर कुछ भी, या फोटो वगैरह चेंज कराना चाहते हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये ऑप्शन दिया गया है। और दोस्तों मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेंटर्स फॉर मोबाइल नंबर अपडेट, तो उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर देते हो, अब आपको नीचे गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हो, आपके नियर बाय जो किलोमीटर आपने डाला है उस किलोमीटर के अंदर जितने भी आधार सेवा केंद्र होंगे जो एक्टिव होंगे, ठीक है, जो एक्टिव होंगे वही आपको यहां पे शो होंगे। कई बार होता है ना दोस्तों जो क्लोज्ड होते हैं वो भी दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक्टिव होंगे, जो काम कर रहे होंगे, उन्हीं का यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एड्रेस दिखाया जाएगा। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है ना दोस्तों कि आपको पूरा का पूरा एड्रेस के साथ साथ मैप भी दिया गया है, जहाँ पे आप जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट या फिर लिंक करवा सकते हो। ये 5 किलोमीटर के अंदर है, जो भी किलोमीटर आप यहाँ पे डालोगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर जितना भी किलोमीटर के अंदर आप डालोगे उतने ही किलोमीटर के अंदर ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों अगर आपको किसी भी आधार सेवा केंद्र जाना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने पूरा का पूरा रूट बन के आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब इस रूट के जरिए आसानी से दोस्तों आप उस आधार सेवा केंद्र के पास जा सकते हो एंड अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हो। यहाँ पे गेट रूट दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करके आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो। कई बार हमें आधार सेवा केंद्र ही नहीं मिलता, हम खोजते रह जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भुवन आधार सेवा केंद्र के जरिए आप सभी के सभी जो रूट है उसे देख पाओगे। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो। अगर आपको दोस्तों डेमोग्राफी अपडेट करना है, फोटो वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करके गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो आधार सेवा केंद्र देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट हो रहा है, फोटोज वगैरह अपडेट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब जिस भी आधार सेवा केंद्र आपको जाना है
उसके लिए दोस्तों आपको बस ये जो एरो दिया गया है साइड में, ये जो देख सकते हो डायरेक्शन का, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो डायरेक्शन है वो दिखाया जाता है। यहाँ से आप जा सकते हो। और अगर आप चाहे ना दोस्तों तो यहाँ पे आप अपना जो एरिया का पिन कोड होता है उसे डालकर भी अपना जो नियर बाय आधार सेवा केंद्र है उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपना जो पिन कोड है वो डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना जो पिन कोड है 400612 वो यहाँ पे मैं डाल के सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, अब हमारे इस वाले पिन कोड के अंदर जितने भी एक्टिव आधार सेवा केंद्र होंगे वो यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे। अब इन आधार सेवा केंद्र पर मैं जाकर अपना जो भी काम रहेगा डेमोग्राफिक अपडेट का, नेम वगैरह चेंज करने का, ये सब कर सकता हूँ, है ना। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। कई बार हम ऐसे ऐसे आधार सेवा केंद्र पहुँच जाते हैं जिनका सर्वर डाउन रहता है, सिस्टम बंद रहता है, फिर भी वो दिखाता है, तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पे नहीं होंगी। अब यहाँ पे पूरी तरह से जो एक्टिव आधार सेवा केंद्र है वही दिखाई जाएंगे। एंड यहाँ पे जाकर आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो, फोटो अपडेट कर सकते हो या फिर नेम एड्रेस या फिर बच्चों का नया आधार कार्ड बनवा सकते हो, अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हो, हर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो भुवन आधार सेवा केंद्र पोर्टल है ना दोस्तों, इसके जरिए आप काफ़ी सारे काम को आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन दिया गया है जिससे आप अपने नियर बाई जो आधार सेवा केंद्र हैं उनकी पहचान कर सकते हो एंड वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो ये एक नया पोर्टल आया था तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगर आपको यह वीडियो और यह पोर्टल पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।